हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखा था लेसन नंबर 6 यानी कि इसकी रिवीजन। ओके, तो हमने पढ़ा था कि कैसे मतलब एक एक शब्द जोड़ के हम क्या बनाते हैं, एक बड़ा शब्द बनाते हैं। जैसे कि घ है, ड है, ये क्या है, वर्ण है। और इन दो वर्णों का मिला के हमने क्या बनाया, एक शब्द बनाया। वो आपको पता है, वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या होता है कि जो शब्द हम बनाते हैं उनको अच्छे से पढ़ना भी है। तो आपने वो अच्छे से पढ़े, वो तो हमने पिछले क्लास में देखा था, है ना। तो अभी हम आज के क्लास में देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, यानी कि लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। तो देखो पेज नंबर 22 पे ऊपर, यानी कि फर्स्ट क्या है यहाँ पे, पढ़िए समझिए और लिखिए। यानी कि यहाँ पे जो भी इतना पोर्शन दिया है अपने पास, एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, तो वो हमें अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि आज ओनम है, भोला ने अपने मित्र को भोजन पर बुलाया, उसकी बहन कोमल भोजन पर सबको समोसे और डोसे खिलाए, तभी उसकी मौसी अपनी बेटी गौरी और बेटे कौशल के साथ आ गई। वह जौनपुर से आई, मौसी जौनपुर से खिलौना लाई। तो क्या करना है, यह आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम ऐसे शब्द बनाना और लिखना तो सीख जाते हैं जल्दी, लेकिन अच्छे से पढ़ना भी आना चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ो और समझो। देखो अभी हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, यानी कि इसका स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में क्या है, चित्रों की सहायता से वाक्य हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला पिक्चर, यानी कि फर्स्ट वाला चित्र क्या है, कोयल है। ये देखो कौवा है कि कोयल है, वो कोयल है ना। तो इसीलिए हम इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, कोयल। एंड आगे का सेंटेंस यानी कि आगे का वाक्य क्या होता है फिर, कोयल पेड़ पर बैठी है। हमने यहाँ से पिक्चर देखा और उसी का नाम इस ब्लैंक में लिखा, है ना। ये आपको अच्छे से ध्यान से मतलब ध्यान दे के पढ़ना है, जैसे कि कोयल पेड़ पर बैठी है। हो गया पहला वाला कंप्लीट। अभी देखो सेकंड वाला, देखो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, ये क्या है, कोट है। क्या बोलते हैं इसको हम, कोट। तो जैसे कि हम इसको क्या लिखेंगे, अशोक कोट पहनो, क्योंकि यहाँ पे कोट का पिक्चर है, तो इसीलिए ये वाक्य क्या होगा, अशोक कोट पहनो। समझ में आया। अभी देखो आगे, ये देखो इसके हाथ में कुछ तो भी सामान है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, और इसको देख के मतलब इस इंसान को देख के हमें क्या समझ में आता है कि ये एक नौकर होगा, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्लैंक में, नौकर। नौकर क्या लाया है, खाना लाया, क्योंकि उसके हाथ में क्या है, देखो खाने का थाल है, है ना, खाने की थाली है ना इसके हाथ में, इसीलिए नौकर खाना लाया। ओके, उसके बाद देखो ये देखो गोभी का फ्लावर है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा गोभी की पकौड़ी बना। आप बनाते हैं गोभी की पकौड़ी, बनाते हैं ना, तो वैसे ही ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अभी देखो क्या है, ख में ओ और औ की मात्रा लगा के शब्द बनाने हैं। मतलब क्या है यहाँ पे कि बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, तो हमें उनमें क्या डालना है, ओ एंड औ की मात्राएं डालनी है और अच्छा सा एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है। ओके, तो जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, च ख ट, ऐसा कोई शब्द होता है क्या, आपने कभी पढ़ा है क्या, नो। तो इसीलिए हम च को लगाएंगे औ की मात्रा, उसके बाद कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पे, चौखट। कौन सा शब्द बनता है, चौखट। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है चौखट, ये किसकी मात्रा है, औ की। अच्छे से देखना है, समझना है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है सेकंड में, नका। व्हाट नका, नका ये भी कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं है, और इसीलिए हमने यहाँ पे भी औ की मात्रा लगाई और बनाई नौका। तो नौका आपको पता है ना क्या होता है, नौका मतलब बोट, बोट देखे है ना आपने, वैसे। अभी देखो फिर से है यहाँ पे अशक, अशक, अशक क्या है, अशक नो मीनिंगफुल वर्ड्स है ना, इसीलिए अशक का क्या बनता है, अशोक। कैसे बना अशोक, क्योंकि हमने श को ओ की मात्रा लगाई तभी बना अशोक, है ना। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, पड़स। तो पड़स को यानी कि पड़स में जो ड शब्द है
उसको भी हमने ओ की मात्रा लगाई, तभी जाके अपने पास एक मीनिंगफुल वर्ड बना, मीनिंगफुल शब्द बना, जिसको हमने क्या लिखा, पड़ोस। तो कौन से शब्द बने यहाँ पे, चौखट, नौका, अशोक एंड लास्ट में है पड़ोस। ओके, अच्छे से ध्यान दो। अभी देखो लास्ट में यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थानों में सही शब्द छाट के भरिए, यानी कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हैं हमें, तो वो ब्लैंक्स में सही शब्द डालना है हमें और उस ब्लैंक को फिल करना है। ओके, तो कैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, गोल, गोल। अभी क्या है, धरती, अपनी जो धरती है वो गोल है कि गोल है, कौन सा शब्द सही है आपके हिसाब से, गोल है। कैसे अपनी धरती गोल है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, धरती गोल है। ओके बेटा, अभी आगे देखो, ब्लैंक है, पेड़ पर बैठा है, अभी क्या लिखते हैं हम, कौआ लिखते हैं कि कौआ लिखते हैं, कौन सा शब्द सही है, सेकंड वाला, क्या लिखते हैं, कौआ पेड़ पर बैठा है, कौन बैठा है, कौआ। ओके, अभी देखो लास्ट वाला, बाजार से फल लाया, कौन, नौकर की नौकर, कौन सा सही है, सेकंड वाला, नौकर बाजार से फल लाया। समझ में आया आपको, तो ऐसे ही बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से अपने एग्जाम पेपर छुड़ाना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी का हम अपने अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स।